बड़वानी नगर पालिका की बैठक में हंगामा हो गया। वार्ड 18 के पार्षद ने अध्यक्ष पर भेदभावपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने आरोप नकारते हुए कहा कि भाजपा का काम यही है। नगर पालिका की आज हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। वार्ड की महिलाओं ने वार्ड में पानी की समस्याओं को लेकर जहां लापरवाही का आरोप लगाया है, वहीं वार्ड क्रमांक 18 के पार्षदों ने अध्यक्ष पर भेदभावपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया है। वार्ड पार्षद नंदराम कुशवाहा ने कहा कि अध्यक्ष भाजपा के वार्ड में काम नहीं होने देते हैं, ना ही पालिका में कार्यों में स्पष्टता रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष टेंडर भी नहीं होने देते और अध्यक्ष विधायक बनने के सपने देखकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष ने आरोप नकारते हुए कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार है, भाजपा की आदत है कि ऐसे ही हंगामे करते हैं। वार्ड में जो पानी की समस्या है उसे भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने आरोप की बात की है वो मेरे अपने हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमारे तो बल संख्या थोड़ी है कहीं। आपको करना हो करो ना। मोदी परिषद की बैठक चली, हंगामा हुआ। हाँ। बैठक के बाद अध्यक्ष बाहर निकले, उन्हें महिलाओं से घेराया, क्या कहूँ? पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, नल में से पानी भी नहीं बराबर मिल पा रहा है। क्या क्या समस्या आ रही है वार्ड में? समस्या ये है कि अब पानी तो कनेक्शन सभी ने अपना घर घर लिया है। सार्वजनिक नल से पहले भरते थे, पर्याप्त पानी नहीं मिलता था, तो इन्होंने सोचा कि यार अपन घर घर ले लेते हैं, पानी पर्याप्त मिलेगा। उसके बाद प्राइवेट कनेक्शन के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, परेशान है ये लोग। इसके अलावा बस ये दिक्कत है कि हाँ, ये तीसरी बार हम आए, इसके पहले भी दो बार आए। अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में गए जब पानी बढ़िया चला, दूसरे रोज बढ़िया चला, लेकिन तीसरे रोज से वही हाल हो गया जो हमेशा का रोना है। मैं आज परिषद की बैठक थी और बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, यहाँ कांग्रेस के लोग पार्षद भी त्रस्त है। यह अध्यक्ष क्या मालूम किस मुहूर्त से बना है कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ इसके स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, इसको ये सोच रहा है कि मेरे को विधायक का टिकट मिलेगा, तो वो बस उसी के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित है, नगर के विकास में कोई ध्यान नहीं है। और इसने जमाने भर के भ्रष्टाचार करे, उसके अभी हमने मांग की है, वो हमारे पास जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये जेल की सलाखों के पीछे होगा। या हम टेंडरों की बात करें, टेंडरों में भी सही जानकारी नहीं है। अभी आप सभी पत्रकार बंधु उपस्थित थे, एई साहब कह रहे थे कि भाई हमारे पास पूरी तकनीकी स्वीकृति और प्रशासन की स्वीकृति लेके कंप्लीट है फाइलें, किंतु अध्यक्ष महोदय ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ठेका किसको देना। मतलब कि आप खुद सोच लो कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है। ऑनलाइन टेंडर बुलाना चाहिए, ये प्रक्रिया है, किंतु अध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है। पार्षद बीजेपी के पार्षद नाराज हैं, यहाँ पर आम जनता भी पूछी है पानी की समस्याओं को लेकर। क्या उनको बेचारा उनको पानी नहीं मिल रहा है, बीजेपी के वार्ड हैं, मतलब कि पक्षपातपूर्ण काम करता है ये। इसके बस दो तीन चार पार्षद इसने बना के रखे हुए हैं, बस उनके वार्डों में काम करता है ये। नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ, नॉर्मल मीटिंग है। हर बार ऐसी मीटिंग तो होती है, पिछली बार भी यही बातें रखी थी, इसी प्रकार से बात रखने का तरीका है बीजेपी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हंगामा नहीं हुआ। सब अपने अपनी बात रखते हैं पार्षद, वो रखना चाहिए, जब तक बात नहीं रखेंगे तब तक। हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष विधायक के सपने देख रहे हैं, विधायक बनने के, नगर में काम हो नहीं रहा है और विधायक के सपने सजा रहे हैं। देखो क्या है कि हमारे जो है पार्षद महोदय, नेता प्रतिपक्ष, ये किसने कहा आपको? पार्षद है वो, वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद है। हमारे पार्षद महोदय अगर ये सोचते हैं कि मैं विधायक बनूंगा तो अच्छी बात है, उनकी अच्छी सोच है, सोचना चाहिए। मेरे पार्षद है, अध्यक्ष के बारे में नहीं सोचेंगे तो और किसके बारे में सोचेंगे? वो उसकी अच्छी सोच है, मैं बन सकता हूँ विधायक, अगर वो बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं विधायक बनूंगा। परिषद की बैठक खत्म हुई, उसके बाद आप बाहर निकले तो महिलाओं ने घेर लिया आपको, पानी के डब्बों। देखिए, वो महिलाएँ जो है वो, उनसे मेरी पारिवारिक संबंध है, जब भी उनको आवश्यकता लगती है तब मेरे घर आ जाती है और उनकी मैं समस्या हल करता हूँ। मेरे घर के पास में अब पार्षद महोदय वहाँ के हैं, वो काम नहीं करते हैं तो यहाँ आ जाती महिलाएं, मैं तो 24 घंटे लगे रहता हूँ उनके लिए। रात में भी वो लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं रात में भी जाता हूँ, उनकी समस्याएं हल करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पड़ोसी है और हमेशा उनकी समस्याएं हल करी है। वहाँ रोड जाने का रास्ता नहीं था, वो रास्ता बनाया, वहाँ पानी की टैंकर से पानी जाता था, वहाँ पाइपलाइन डाली, अब थोड़ा बहुत पानी कम आ रहा होगा तो उसकी समस्या का हल कर देंगे। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि भेदभाव किया जाता है, कांग्रेस वार्डों में काम किया जाता है, बीजेपी वार्डों में कोई काम नहीं। 10 अभी हमने जो है 20 नंबर वार्ड में काम किया है, सीसी रोड बनाया,
वो वहाँ की जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी मुकाती जी है। इसके बाद हमने उसी के वार्ड में एक जनता साइकिल के पास में रोड बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है वहाँ की भी। तो ये तो निराधार आरोप है, इनको विरोध करना है, विरोध करने के लिए कोई मुद्दे नहीं बन रहे इसलिए मुद्दे बनाते हैं। कई ऐसे वार्ड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वार्ड है जिसमें नगर पालिका परिषद ने काम किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।